क्या है? अलमेमा शा हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बज रहे हैं शाम के 5:15 और बस अयान से अभी फ्री होके आई। उसने पूरे बेड पे ना पानी पानी कर दिया, तो बेडशीट हटाई है और उसके सारे टॉयज उठा के रखे हैं। पूरे घर में उसने टॉयज भी फैला दिए थे, तो सब अपनी जगह पर रखे हैं क्योंकि उसकी सारी कारें ना उसने ऐसे फैलाई हुई थी। और ये देखिए अभी पीछे भी पड़े, वो ना मेरे पैर के नीचे आ रही थी, अभी मैं गिरते गिरते बची, तो बस सारे खिलौने उसके उठा के आई हूँ। और दाल को फ्रिज से निकाल के रख दिया है क्योंकि बनेगी दाल की कचौरी। और दाल को मैंने कल ही पीस लिया था, उसको मैंने गलती से फ्रीज़र में डाल दिया था, मतलब जो दाल का बर्तन था उसको फ्रीज़र में रख दिया, तो उसमें जम गई बर्फ़। तो उसको ना बाहर निकाल के रखा है, थोड़ा सा वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, तो उसको मैं आटे के साथ गूँध दूँ और साथ में बनाऊँगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो बस इंतज़ार करी हूँ दाल के नॉर्मल होने का, कि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद बस मैं खाने की तैयारी करूँ। और उससे पहले ये कुछ कपड़े पड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ, इनको भी मैं लगा के मतलब तहा के अपनी जगह पे रख दूँगी। अयान की ड्रेस को भी प्रेस करके रखना है, वो काम निपटाऊँगी। ये सब निपटाने के बाद बस तुरंत लग जाऊँगी मैं डिनर बनाने में। और इधर ये देखिए दाल कैसे जमी हुई है, थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। और ये अदरक पड़ी हुई है जो पिस नहीं पाई थी, इसको मैंने ना ऐसे पानी में करके रखा हुआ है।
वगैरह हो गया और मैंने अपना हॉर्लिक्स वाला दूध भी पी लिया। अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ ये पालक। इसको ना मैं साफ़ करके वॉश करके हल्का सा स्टीम करके रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे ना इसके लिए बनाने अयान के इसके पालक के बनाने अयान के लिए पराठे। यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ नीचे क्यों लेटे हो? बोलो। यहाँ लेटे हैं? बेड पे नहीं लेटोगे? चलो चेंज करो, चेंज कर लो, नाइट सूट पहन लो अपना। नीचे एम्बुलेंस पलंग के नीचे चली गई है इसलिए यहाँ लेटे हैं। लेट के एम्बुलेंस ढूंढी जा रही है। पापा से मांग लो। नहीं। ये कंघे से मिट्टी खोद रहे ऊपर पड़ा था, बेकार हो गया। बेकार तो है, फेंकना नहीं। अरे तुम्हारे मिट्टी खोदने के काम आएगा। चम्मच यहीं कहीं पड़ा था मिट्टी खोदने वाला। इसमें टमाटर का पेड़ था, कहाँ गया? ये रहा टमाटर का पेड़। बज रहे हैं रात के 9:30। हवा इतनी अच्छी चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये दोनों ना कमरे में लेटे हुए थे, कोई भी ऊपर नहीं आ रहा था। और मेरा मन हो रहा था वॉक करने का, क्योंकि मुझे ना अभी अपने मतलब एक अपना 1000 स्टेप और कंप्लीट करना था। तो बस खाना हो गया, सब कुछ काम हम निपटा दिया, पालक भी उबाल के रख दी। अब करीब आधे घंटे में छत पे वॉक करूँगी, उसके बाद जाऊँगी नीचे आराम से, फिर सो जाऊँगी। पापा ने डांटा? क्यों डांटा? शैतानी करी आपने? हवा बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है यहीं पर कुछ खाट वाट डाल के सो जाए, लेकिन ना रात भर में मच्छर उठा ले जाएंगे। रात को तुम्हें हाथी चलाने का सूझा है? रात में तुम हाथी चलाओगे? रात में फूल और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अरे ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है। अयान गिर जाओगे। गुड नाइट। सुने जा रहे हो? गुड नाइट कर लो। अच्छा एक बार फिर से कर दो। बाय कर लो। बाय बाय।